आपको बता दें, इस साल गुरु पूर्णिमा पर 149 साल बाद 16 और 17 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि भारत में भी दिखाई देगा। लेकिन इस चंद्र ग्रहण के दौरान हर गर्भवती महिला को इन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बता दें आपको, इस समय में गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। माना जाता है कि यदि कोई गर्भवती महिला ग्रहण देख लेती है तो उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे की शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ता है। वहीं भूलकर भी ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस समय में गर्भवती महिलाओं को पहले से बना हुआ कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। कहा जाता है इस समय पड़ने वाली हानिकारक किरणें भोजन को दूषित कर देती हैं। साथ ही खाने में तुलसी के पत्ते मिलाकर खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मान्यता है कि ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा ना करने पर पैदा होने के बाद उसके शिशु को त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं को अपने आसपास एक नारियल रखकर सोने की सलाह भी दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रहण की काली छाया माँ और उसके होने वाले बच्चे तक नहीं पहुंचती है और इसका उसको फायदा भी जरूर मिलता है। अगर गर्भवती महिला इन बातों का विशेष ख्याल रखती हैं तो ग्रहण का प्रभाव उनकी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।